फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कुक बुक चैनल। आज हम बनाएंगे ग्रीन ऑनियन की सब्जी, यानी कि हरे प्याज की। सो वीडियो को एंड तक देखना, कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस है। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ग्रीन ऑनियन सब्जी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हमने एक स्पून ऑयल डाल दिया, ऑयल हमने ऑलरेडी हीट कर दिया है। अब हम इसमें 1.5 स्पून जीरा डाल देंगे। अब हम 1 कप टमाटर डाल देंगे। अब हम 1/2 kg ग्रीन ऑनियन डाल देंगे, यानी कि हरा प्याज। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। 2 स्पून धनिया मिर्ची पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब हम ग्रीन चिली डाल देंगे, यानी कि हरी मिर्ची। अच्छे से मिला लेंगे। सब्जी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम सब्जी को ढक्कन लगा देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, और हम एक्स्ट्रा पानी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि सब्जी अपना पानी खुद छोड़ेगी। सो चलिए अब हम ढक्कन लगा देते हैं और 10 से 12 मिनट के बाद फिर से सब्जी को चेक करेंगे। दस से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम सब्जी का ढक्कन हटा के देखेंगे। सब्जी का कलर बहुत ही बढ़िया आया है। आप देख सकते हैं सब्जी ने अपना पानी और तेल दोनों ही छोड़ दिया है। अब हम सब्जी को अच्छे से मिला लेंगे। और कुछ इस तरह हल्के हाथों से मैश करेंगे सब्जी को 1 मिनट तक के लिए। ग्रीन ऑनियन में बहुत बेनिफिट है हेल्थ को, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है ये, ऑल्सो गुड फॉर डायबिटीज़। ये हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करता है। ऑल्सो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा है, लाइक विटामिन सी, आयरन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी और कोबेलियम। ये ठंडी में बहुत ही फ़ायदेदार है। और आप देख सकते हैं सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर देंगे। ग्रीन ऑनियन की रेसिपी तैयार हो चुकी है। ऊपर हमने धनिया रखा है। आप चाहे तो गार्निशिंग के लिए ग्रीन ऑनियन भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।